Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students, how are you? This is me Tareem Saleem Kasiri and I hope you are all fine. Okay students, तो आज आप लोगों का S.st का सेशन है. S.st का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को करवाने हैं आज. तो काइंडली आप लोग अपनी बुक कॉपी और स्टेशनरी बॉक्स को सामने रखें ताकि जब ड्यूरिंग वर्क हम लोग वर्किंग कर रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेक आउट योर बुक एंड कॉपी विद स्टेशनरी बॉक्स. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क. ओके, स्टूडेंट्स आप लोग अपनी इंटरलीफ कॉपी ओपन कर लें. सबसे पहले इंडेक्स निकालेंगे. ठीक है, तो इंडेक्स में हमने ये देखना है कि हमारा फर्स्ट असेसमेंट की हेडिंग आपकी थी. चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ग्लोब एंड मैप्स. इसके क्वेश्चन आंसर हमने किए, बुक्स एक्सरसाइज ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर टू भी हमने कंप्लीट कर दिया, क्लाइमेट चैप्टर था, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 11 पे. ठीक है, आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ब्लू कलर से अंडरलाइन लगानी है. ओके, लाइक दिस, इस तरीके से. और फिर चैप्टर आपके 3 का नेम लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लाइन लगा रही हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं ब्लू कलर से लाइन लगा चुकी हूँ. ठीक है, अब हमने क्या करना है, चैप्टर 3 को यहाँ राइट करना है. तो पेंसिल पिक कर लें आप लोग, और पेंसिल पिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है 3. ठीक है, 3 लिखने के बाद आपने ये करना है. ओके, 3 लिखने के बाद हमने ये करना है कि यहाँ पर डेट मैंशन करनी है. तो 10th of July को हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा राइट करना है आप लोगों ने. और चैप्टर का नाम है हमारे, क्या चैप्टर का नाम था, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, RIVERS रिवर्स OF ऑफ पाकिस्तान. पी हमेशा कैपिटल होगा पाकिस्तान का. ठीक है, क्योंकि ये क्या हमारे कंट्री का नेम है, PAKISTAN पाकिस्तान. ओके, तो ये करने के बाद आज हमने क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आंसर राइट करना होगा. ओके, अब हम क्या करेंगे, अपनी इंटरलीफ कॉपी ओपन करेंगे. ठीक है, तो कॉपी मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले बुक को सामने रख के इसकी हेडिंग मेंशन करनी है हमें. चैप्टर 3 है तो ब्लू कलर पिक कर लें सब. ब्लू कलर पिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है चैप्टर 3. ओके, ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगी इसकी हेडिंग रिवर. ठीक है, बड़ा सामने थोड़ा सा बड़ा आर लिखना है, RIVERS. ओके, रिवर्स OF, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान. ओके, और इसके अलावा आप चाहो तो उस पर जस्ट अंडरलाइन करना, काइंडली बबलिंग ना करें. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट क्या करनी है आपने इस पर, अंडरलाइन, इसके अलावा कुछ ना करें. चलें अब आ जाएंगे हम अपने राइटिंग वाले पेज पे, फ्रंट पेज पे आ जाएं. पेंसिल पिक करेंगे. आज की डेट क्या है, आज हमारे पास 13th July है, 13th. तो यहाँ पे लिखेंगे 3/13/07 और क्या आ जाएगा, 20. ओके, आज का डे हमें मेंशन करना है. आज क्या है, मंडे, ट्यूसडे, क्या है आज, ट्यूसडे. तो यहाँ लिखेंगे TUESDAY ट्यूसडे. और यहाँ हमें क्या मेंशन करना है, क्लास वर्क. ओके, इसके बाद ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे मार्जिन है या नहीं. नहीं है तो हमें क्या लगानी है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है. तो अपना अपना रूलर आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए. ठीक है, ओके, लेने के बाद इसे यहाँ पे रखना है और ब्लू कलर से इस पर मार्जिन लगानी है. ओके स्टूडेंट, ओके, लुक एट हियर, मैं यहाँ पे मार्जिन लगा चुकी हूँ. तो आप लोग भी काइंडली लगा लें साथ साथ. इसी तरीके से रूलर को यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, दोनों हैंड को यूज़ करने हैं, और फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है ब्लू कलर से. इसके बाद मार्जिन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है ब्लू कलर से क्वेश्चन आंसर. ओके, तो
तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस क्वेश्चन स्लैश ए एन एस डब्ल्यू ई आर एस क्वेश्चन आंसर। ओके इसी बात इसी के साथ हमने राइट करना है इसी से कलर से क्वेश्चन नंबर वन। बिल्कुल इस तरीके से हमने काम करना है। ओके आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर वन है, बुक के पेज नंबर पे आ जाएं। ठीक है पेज नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स पेज नंबर 15, इसके बाद आ जाएगा 17। ठीक है पेज नंबर 17। ओके पेज नंबर 17 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे दिया हुआ है वन। ठीक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैम एंड आ बेराज। ठीक है तो ये बताना है फ़र्क किसके दरमियान, फ़र्क बताना है डैम और बेराज के दरमियान। तो आपको याद होना चाहिए हमने लास्ट रीडिंग जब हमने की थी तो यहाँ पे डैम्स और बेराज के बारे में हमने रीडिंग की थी। ठीक है तो यहाँ पे आपने कुछ पढ़ा था डैम्स क्या थे बेराज क्या थे, तो आज इसी के बारे में हमने आंसर भी लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करते हैं। ठीक है दोबारा मूव करते हैं हमारे प्रीवियस पेज की तरफ, पेज नंबर 17 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर वन हम राइट करेंगे व्हाट इज़ द ओके डब्ल्यू, देख लीजिएगा आपकी पेंसिल की जो निप वो बिल्कुल शार्प हो। ओके डब्ल्यू एच ए टी व्हाट आई एस एस व्हाट इज टी एच ई द व्हाट इज द डिफरेंस टी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर डैम आ टी ए एम डैम ए एन टी एंड आ बिराज आ बिराज बी ए डबल आर ए जी ई एंड क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा क्वेश्चन में। इसके बाद ये करने के बाद आपने ब्लू कलर को पिक करना है और ब्लू कलर से राइट करना है आंसर। ए एन एस आंसर। ओके तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स तो अब हमें पता है कि डिफरेंस है तो डिफरेंस के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे टेबल एक मैं बना रही हूँ। तो इधर देखें आप लोग, ठीक है एक रूलर लेना है, रूलर से एक लाइन यहाँ आपने लगानी है। ठीक है ठीक है ब्लू कलर से और एक यहाँ लाइन लगाई आएगी। ठीक है तो मैं अभी लगा रही हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स एक लाइन में मार्जिन ड्रॉ कर चुकी हूँ और दूसरी आपने मार्जिन इसी तरीके से यहाँ पे लगानी है बिल्कुल टू लाइंस को गैप देख के। ओके तो मैं दूसरी मार्जिन भी ड्रॉ कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं मार्जिन लगा चुकी हूँ टू लाइंस के दरमियान, तो आप भी काइंडली इसी तरीके से मार्जिन लगाएं। इसके बाद दरमियान में एक लाइन लगानी है बिल्कुल एंड तक। ठीक है तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगी एंड तक, बिल्कुल आप भी साथ साथ इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स ओके लुक एट दिस, आई होप आप बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ चंद सेकंड आप लोगों का कि आप लोग भी साथ साथ कर लीजिए। ठीक है तकरीबन बच्चों ने कर लिया होगा, तो अब मैं स्टार्ट ले रही हूँ यहाँ से हेडिंग। ठीक है डैम्स एंड बेराज, तो हेडिंग आ जाएगी आपकी। तो पेंसिल पिक कर लीजिए, पेंसिल पिक करने के बाद आपने यहाँ हेडिंग लगानी है डी। ठीक है ए एम एस डैम्स और यहाँ हेडिंग क्या आ जाएगी बेराज बी ए डबल आर ए जी ई एस। ठीक है इसी तरीके से काम करेंगे बिल्कुल। अब क्या लिखना है यहाँ पे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर। डैम्स आर बोल्ड ऑन माउंटेन एरियाज़। ठीक है डैम्स कहाँ बनते हैं माउंटेन एरियाज़ में, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे वन। डैम्स
आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स इसी तरीके से काम कर रहे होंगे, ठीक है। डैम्स ए एम एस, डैम्स ए आर ई आर, बुल्ट बी यू आई एल टी, बुल्ट ऑन ओ एन ऑन, माउंटेनियस एम ओ यू एन टी ए आई एन ओ यू एस, माउंटेनियस एरियाज ए आर ई ए एस एंड फुल स्टॉप, ओके। डैम्स आर बिल्ट ऑन माउंटेनियस एरियाज। इसी तरीके से हम बैरेज का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे वन, इस ब्लू कलर पिक करने के बाद। बैराज बी ए डबल आर ए जी ई एच एस, बैराजेस ओ एन ऑन द टी एच ई द, अदर हैंड ओ टी एच ई आर अदर हैंड एच ए एन डी हैंड, आर ए आर ई आर बोल्ट बी यू आई एल टी, बोल्ट ओ एन ऑन फ्लैट एफ एल ए एफ एल ए टी फ्लैट स्पेस प्लेसेस, ठीक है, पी एल ए सी ई एस एंड फुल स्टॉप, ओके स्टूडेंट्स। तो आपने इस चीज़ को अब नोट करना है कि ये आपका टू लाइन का है और ये थ्री लाइन्स का पॉइंट है, तो आपने इस पॉइंट को देखते हुए इस पूरी लाइन का हमने क्या कर देना है, गैप दे देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे लाइन में आपने टू लिखना है, क्योंकि गैप का ख़ास ख्याल रखना है, वरना काम क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा। तो काइंडली आप लोग जो आप गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसे प्रॉपर फॉलो करें, ओके। तो सेकेंड पॉइंट है इसका नाउ मूव, ओके। सेकेंड पॉइंट हम राइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट इट। लार्ज डैम्स एल, ठीक है, कैपिटल एल होगा, एल ए आर जी ई लार्ज, डी ए एम एस लार्ज डैम्स, लार्ज डैम्स सच एस एस यू सी एच सच, ए एस एस तरबेला डैम, तरबेला डैम का जो टी है वो कैपिटल होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लोग भी कैपिटल लिखिएगा, टी ए आर बी ई एल ए तरबेला डैम, डी ए एम तरबेला डैम एंड ए एन टी एंड मंगला डैम, एम भी कैपिटल हो जाएगा इसका, ठीक है, एम ए एन जी एल ए मंगला डी ए एम फुल स्टॉप, ओके। तो अब यहाँ से सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम, राइट करेंगे टू, तो इसके क्या होंगे नेम, सम बैराज। तो अब मैंने यहाँ पे टू डैम्स के नेम लिखे, तो मैं बैराज के भी टू नेम लिखूँगी, ठीक है, ताकि ये आपको बाद में लर्निंग के लिए भी ईजी रहे, ठीक है। तो एस ओ एम सम बैराज, एस ओ एम ई सम, बी ए डबल आर ए जी ई सम बैराज, जिस एस ए आर ई आर सखर, सखर का एस क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, एस यू के यू आर सखर बैराज, बी ए डबल आर ए जी ई, ठीक है, एंड ए एन डी एंड गुड्डू बैराज, जी यू
double D good U good do. अब स्पेलिंग आपने बड़ी ध्यान से लिखनी कि यहाँ कंप्लीट आ जाए, ठीक है? अगर नहीं आ रही तो आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है? बराज. ओके स्टूडेंट्स, बराज एंड ETC लिखते हैं क्योंकि बराज के नेम और भी हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है? छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के लिए आई नो के बहुत लेंदी होगा, लेकिन फ़िलहाल इससे ज़्यादा छोटा शॉर्ट नहीं कर सकती मैं इसे, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना सही काम है, क्योंकि ये जो आज हमने हेडिंग भी मेंशन की कॉपी में और इंडेक्स रेडी किया आप लोगों के साथ और फिर फ्रंट पेज पे सारा, तो बस आज के लिए काम आप लोगों का इतना ही है. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आज का काम आपका यहीं तक था कि आज हमने क्या करा कि इंडेक्स आपका रेडी करवाया चैप्टर 3 के हवाले से, और इसके अलावा हेडिंग मेंशन करवाई चैप्टर 3 की आपके फुल पेज पे, एंड चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने राइट किया ना आज. तो आज के लिए आपका इतना ही काम है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन में इसको और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर को. ओके स्टूडेंट्स, अपना तब तक अपना ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर.